स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान टट्टू क्रिकेट टीम बीट न्यूजीलैंड बच्चा पार्टी टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन भिखारियों। तो लास्ट वाला मैच जो था उसमें पाकिस्तानियों ने जीता और अच्छे से जीता, उसमें कोई दो राय नहीं, होल आउट कर दी पूरी टीम को, बच्चों को ऑल आउट कर दिया भाई। हालांकि ट्रॉफी तो न्यूजीलैंड वाले ही लेके जाएंगे लेकिन बहुत मिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग ली है इन लोगों ने। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। पठान भाई की चैनल से वीडियो है, रिएक्शन के साथ साथ आपको मजा आने वाला है, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आए तो एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक कमेंट लिखना है, वीडियो अच्छा लगे साथ में सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे ये हमारे पड़ोसी बोलते हैं कि यार जब हम हारते हैं तो तुम्हारी वीडियो पटाख से आती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन हम जब जीतते हैं तुम्हारी वीडियो नहीं आती। मैं जस्ट अभी आया हूं जॉब से और देखा कि पाकिस्तान जीत गया है भाई, चमत्कार हो गया मेरे भाई और जीत भी ऐसी जीत के 9 रन से जीता है। यार एक बार बताओ पाकिस्तानियों, क्या तुम लोगों को ये बात शोभा देती है कि इस जीत पर मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूं? क्या अगर मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूं कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी इस बात की कि भाई बच्चों से तुम 9 रन से जीते हो? यार ये मैं देखो यार इसको जीत नहीं बोलते, ये असल में न्यूजीलैंड वालों ने तुम लोगों को मुंह में दिया लॉलीपॉप। सिर्फ तुम्हारा जो है वो तुम अब सीरीज था, अब सीरीज को क्या ही करेगा न्यूजीलैंड, उन्होंने लॉलीपॉप तो देना था पाकिस्तान को, बेच दिए अपने वो सड़े हुए वो सारे प्लेयर, ज्यादातर प्लेयर उसमें ऐसे हैं जो आईपीएल में बैन लगा है, जो आईपीएल में उसके ऊपर बैन लगा था, और वैसे भी पाकिस्तानी टीम तो अनसोल्ड ही है। तो भाई अनप्लेयर और अनसोल्ड जब बीच में खेलेंगे तो भाई बताओ पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान तो कहती है कि हम दुनिया के नंबर 1 टीम है, क्योंकि भाई ये अभी कुछ अर्सा हुआ ये लोग ये बात नहीं कर रहे, नहीं तो ये अभी वनडे वर्ल्ड कप से पहले की बातें आप इनकी सुनी है कि कहते थे कि दुनिया में अगर कोई टीम है तो वो पाकिस्तान की है। अब जब से वनडे वर्ल्ड कप में ये लोग हारे हैं, अफगानिस्तान ने इनको पेंटा मारा है, तब से इनके मुंह बंद हो चुके हैं और तब से बाबर आजम पुस जा रहा है। और भाई सुना है कि कल बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही है। और भाई ये हाफ सेंचुरी बनाने का मकसद ये नहीं था बाबर आजम का कि वो न्यूजीलैंड से जीतेगा, वो हाफ सेंचुरी बनाएगा बस अपनी कैप्टनसी बचाने के लिए उसने हाफ सेंचुरी बना दी, तो बाबर आजम की कैप्टनसी चली गई थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी आ रहा है उससे पहले पहले ही अगर बाबर आजम ऐसा ही चलता रहा, बाबर आजम की कैप्टनसी दोबारा उसको हटा दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से जहां तक सुनने में आ रहा था तो यार मैं ये इमाद वसीम या फिर फखर जमान इन दोनों में से एक को कैप्टन बनाने की जो है बातें हो रही थी, लेकिन बाबर आजम ने सुना है कल भाई पेशाब पसीना लगा के उसने हाफ सेंचुरी बना दिया और ये बोलते हैं कि यार हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। अबे भाई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने से अच्छा है बंदा कहीं पर सड़क पर टट्टी कर ले, यार बच्चों से जीत के बोलते हो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। ची 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 भाई ये तुम लोग जीते नहीं हो, तुम लोगों ने थोड़ी बहुत ना अपनी इज्जत बचाई है और इतने मर मर के जीते हो कि मैं मैच तो नहीं देखा, स्कोर बोर्ड से ही पता चल रहा है कि कितनी पुस्कियां निकाली भाई न्यूजीलैंड ने तुम्हारी आप सोचो अपने साथ कि ये बच्चों के साथ खेल रही ये हालत है, ये अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान न्यूजीलैंड की एक टीम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और भाई नेपाल ये अगर उनका सामना करेंगे तो भाई इनकी तो काम पे ठांग जाएगी भाई एनीवे पाकिस्तानियों जाने दो यार, ये मैच जो तुम लोगों ने जीता है ना ये बिल्कुल इस लायक ही नहीं है सालों के हम तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बोले। कॉन्ग्रेचुलेशन तो न्यूजीलैंड को बोलना चाहिए कि भाई उनके ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने ये बड़ी बड़ी काली काली गुदियों वालों को हराया एनीवे दोस्तों आज काफी ज्यादा मैचेस है, आज जो है वो आरसीबी वर्सेस गुजरात का भी मैच है, बहुत सारे मैच है, मजा आने वाला है, लेकिन अफसोस मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रही है। कल भी मैं यार वो मैच की वजह से नहीं सोया, मुंबई इंडियंस की मैच की वजह से फिर रात को जॉब पे गए, अभी आया हूँ, देखता हूँ भाई अगर नींद आ गई तो सो जाऊंगा नहीं तो मैच देख के ही सोऊंगा। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर मैच के बाद, बाय बाय।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो मेरे को तो ये सीध लग रहे हैं न्यूजीलैंड वाले हारे हैं, 9-9 रन से हार चुके हैं पाकिस्तान से। जब मैंने ये मैच की हाईलाइट देखी थी, मैंने पूरी मैच नहीं देखा, हाईलाइट देखा था, तो मेरे को तो एक चीज क्लियरली दिखी कि न्यूजीलैंड प्रेशर में थी। क्या? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का प्रेशर आ गया होगा। इन लोगों ने बोला भाई अब तो शर्म कर लो, इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है आर्मी की, हमारे इन खिलाड़ियों को पत्थर उठवाया है, दौड़ा है, बंदूकें चलाई, ये सब कुछ करवाया है, अब कुछ तो शर्म कर लो, एक तो जीतने तो। तो उस प्रेशर की वजह से मेरे को दिख रहा है, क्योंकि लास्ट लास्ट ओवर में भाई एक ही साथ दो बॉल में दो विकेट, तीसरे बॉल खाले चौथे बॉल में और एक विकेट, ऐसे ही विकेट निकल गई। और विकेट मतलब नॉर्मल विकेट, कुछ तो आपको लगेगा भी नहीं कि बॉलर ने कुछ मेहनत की हो ऐसी विकेट। तो फिर तो हुआ है, तो मेरे को डाउट लगा मैं कि मेरे को लगा मैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ जोल है और बड़ा जोल होगा। हाँ। ये पठान भाई तो कह रहे हैं, हालांकि ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हालांकि जीता इसलिए चलो भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तानियों। बाबर ने अच्छा खेला, करीबन 67 रन किए थे और बहुत कम गेंदों में, तो ये भी एक बाबर के लिए अच्छी बात है। हो सकता है कप्तानी ने दिया होगा। ये वही तो बोल रहा हूँ कि प्रेशर आया होगा कि भाई आप पाकिस्तान, ट्रॉफी तो न्यूजीलैंड ही ले गया, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत अपने देश में रहे इसलिए। नहीं वो आर्मी ने बोला होगा कि भाई आप क्रिकेट की हमारी जो टीम है उसकी तो कुछ वैल्यू नहीं कर रहे हो, शर्म सीमा कुछ नहीं रखी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो कर लो, हमारी धजिया उठ रही है बाहर जो हमने ट्रेनिंग दी थी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।